हाय गाइस, चलो स्टार्ट करते हैं यूआई यूआई का थर्ड पार्ट। हम लोगों ने जैसा लास्ट टाइम देखा था कि भाई हम लोगों ने अभी से कुछ फीचर देखे थे कि ठीक है फ्रेम ऑल क्या होता है, ठीक है अगर मैं यहाँ पर कहता हूँ तो फ्रेम सिलेक्शन क्या है। ठीक है, तो सिंपल से पार्ट हमने देखा भाई, मेरे पास ऐसा कुछ एक पार्ट है तो मैं कैसे मैं मैनेज कर सकता हूँ। अभी फाइल हमने ये दूसरा एक ले रखा है, ठीक है ये मेरे पास गन की फाइल है। ठीक है, तो जस्ट सीन के लिए कि सीन थोड़ा सा अच्छा लगे तो हमने सोचा थोड़ा सा दिखा दें यहाँ पर। तो बेसिक चीज़ ऐसी है कि हम किसी चीज़ को फुलफिल करें। अभी यहाँ पे मुझे क्या काम करना है कि अगर मैं देखूँ यहाँ से कुछ व्यू पोर्ट के बारे में मैं आपको बता रहा था। जैसे आपको मैंने स्पेसा बताया होगा कि भाई चार व्यू आ जाते हैं यहाँ पे, एफ फॉर फोकस, एफ फॉर फोकस, एफ फॉर फोकस, तो सारे फ्रेम में आ जाएंगे यहाँ पे। यहाँ पे एक ऑप्शन होता है ऑल्ट बी, ऑल्ट बी से बैकग्राउंड का कलर चेंज हो जाता है। जैसे किसी को लगता है कि मुझे ब्लैक बैकग्राउंड अच्छा लगता है, किसी को ग्रे अच्छा लगता है, किसी को वाइट, तो जो बनाने वाला है उसने सोचा कि फैसिलिटीज़ देते हैं। ठीक है, वैसे इनका सबका एक मोटिव है। ठीक है, तो ऑल्ट बी हमने देखा, ऑल्ट और बी, बी फॉर बैकग्राउंड। ठीक है, तो ये हमने देख लिया यहाँ पे। अभी हम लोग यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे बस कई चीज़ें हैं। जैसे अगर मैं दिखाऊँ व्यूपोर्ट के बारे में तो उसे देखें, जैसे व्यूपोर्ट में हमारा बहुत सारा काम होता है, तो यहाँ पर कई चीज़ें जो लगता है भी मुझे बताने लगे मैं बताऊँगा, जो लगता है भी मुझे भी बाद में बताना है मैं बाद में बताऊँगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या होता है, जैसे यहाँ पे कई चीज़ें जैसे कैमरा सेटिंग है, तो कैमरा सेटिंग में जैसे ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसे देखें यहाँ पर कैमरा सेटिंग, ये कैमरा सेटिंग में अगर आप यहाँ पर आते हो तो पहले व्यूपोर्ट के बारे में देखें, कैमरा सेटिंग में देखें। यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो आपको आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं। फिल्म गेट, अगर आपने प्रीमियर आफ्टर इफेक्ट या कोई भी आपने बेसिक सॉफ्टवेयर करेगा तो वो सब कुछ आपको मिलेगा। रेजोल्यूशन गेट, रेजोल्यूशन गेट क्या होता है कि भाई जितना आपका रेंडर पे निकलना है, जैसे मान लो मैंने इसको यहाँ पे इतना बड़ा कर दिया, देखो यहाँ पे इतना पार्ट है ना, यहाँ पे फोर टाइमिंग रेंडर निकाला तो अच्छा रेंडर निकालते, तो यहाँ पे मैंने आर्नोल्ड पे गया, लाइट लगा दी स्काई डोम। जैसे मैंने आपको पहले बता रखा है आर्नोल्ड को चेक कैसे करते हैं, तो पहले पार्ट में एक बार क्रॉस कर लेना यहाँ पर, रेंडर किया। अभी रेंडर में देखोगे, देखो मेरे पास ऊपर वाला पार्ट कट हो रहा है, ये मैंने यहाँ पे कट करके रखा, तो आपको पता चले कि भाई ये यहाँ पे कट होगा। इसको मैं यहाँ पे क्या करना है, देखो सेंटर पे रखेंगे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे फिल्ड चार्ट भी होता है, तो जैसे मैंने आपको कैमरे की क्लासेस दे दी है ना, तो उसमें देखो यहाँ पे देखना, अभी ये सेंटर पे रखना है, सेंटर पे रख सकते हैं, यहाँ पे कैसे पोजिशन रखना है, स्पेसिंग, गैपिंग, ग्रिड हम लोगों ने रखा है, तो ग्रिड के साथ हम लोग मैनेज कर सकते हैं। तो ये आपका क्या हुआ, सिंपल सा पार्ट। यहाँ पे फिल्ड चार्ट है, देखो ये जो चीज़ आपको यहाँ पे मिले वो आपको यहाँ पे भी मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे आपको रेजोल्यूशन गेट देखना है, आपको यहाँ पे ऊपर भी रेजोल्यूशन गेट, फिल्म गेट दिखना पे, देखो फिल्म गेट एंड रेजोल्यूशन गेट, ऊपर ध्यान दो यहाँ पे कुछ चेंज नजर आ रहा है, तो आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। आप यहाँ पे चीज़ों को ऐसे करके बैलेंस करके कर सकते हो। ये छोटा सा बटन है जिसे हम लोग बोलते हैं रेंडर। ठीक है, आपको ये ऊपर वाले पार्ट में मिलेगा, तो ये चीज़ भी हम लोग अभी कवर करेंगे यहाँ पे, देख रहे हैं यहाँ पे। तो चलो हम लोगों ने व्यूपोर्ट पे देखा, व्यूपोर्ट पे हमारे से आइडिया मिला कि भाई कैसे रेंडर करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इसलिए आपको बताता हूँ, जब मैं स्टार्टिंग करूँ तो स्टार्टिंग में आपको यहाँ पे चीज़ों को फुलफिल किया जा सकता है क्या यहाँ पे। ठीक है, ओके, यहाँ पर हमने क्रॉस चेक कर लिया। आप देखो यहाँ पे सेफ एक्शन, सेफ एक्शन आपको दिख रहा है, अगर देखो फील्ड चार्ट को थोड़ा देख लिया ऑफ करते हैं, यहाँ पे आपको आपको देखेगा सेफ एक्शन। ठीक है, सेफ टाइटल, सेफ टाइटल क्या होता है कि जब आप कोई भी मॉडल रखो कहीं पे तो नीचे टाइटल के लिए जगह छोड़ जाता है, तो मैं यहाँ तक रखूँगा। अगर मुझे यहाँ पे कोई भी चीज़ रिप्रेजेंट करना है तो यहाँ से यहाँ तक मेरे पास टाइटल आने चाहिए, वो पार्ट हम लोग यहाँ पे रखते हैं। ठीक है, आपका देखो यहाँ पे कुछ छोटा सा ऑन ऑफ है, आप देख रहे हैं यहाँ पे फिल्म ओरिजिन, ये आपका ओरिजिन देख रहे हैं यहाँ पे, ये आपका यहाँ का पार्ट दिखेगा यहाँ पे। ठीक है, अभी फिल्म प्राइवेट, फिल्म का प्राइवेट कहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है। तो सब कुछ आपको यहाँ पे मैनेज करके रखना है कि भाई ये सब चीज़ आपके पास यहाँ पे, ताकि आपको पता चले कि आपका मॉडल कहाँ रहना चाहिए। ठीक है, यहाँ देखो हॉरिजॉन्टल, फिल, वर्टिकल, यहाँ पे दिख रहा है ओवर स्कैन, ये सब कुछ आपको यहाँ से जस्ट क्रॉस चेक करके देखो तो आपको आइडिया मिलेगा कि भाई मैं किस तरह से मैं मैनेज कर रहा हूँ यहाँ पे। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में आपको तो ज़्यादा विजुअल दिखेगा यहाँ पे, तो ऐसे करके मैनेज कर सकते हैं। तो ये कुछ कैमरे की सेटिंग है जिसको हम लोगों ने देखा यहाँ पे। यहाँ पे देखो वायर फ्रेम है, फोर फोर वायर फ्रेम। ठीक है, वैसे अगर मैं आपको आपको बताऊँ, वन टू थ्री, देखो यहाँ पे वन टू थ्री फोर फाइव, यहाँ पे फाइव दिख रहे हैं सरफेस, वन कुछ नहीं है, टू कुछ नहीं है। इसको समझने के लिए आपको एक दूसरी फाइल पे मैं आपको काम करके दिखाता हूँ, जैसे मैं माया, मैंने यहाँ पे क्या किया माया। ठीक है, 2023 पे एक बार चलते हैं यहाँ पे फिर से, अलग अलग फाइल के मैं आपको अलग अलग एग्जाम्पल में आपको थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ कि भाई मुझे अगर यहाँ पे कोई काम करना है तो कैसे करें। जैसे माया स्टार्ट हो रहा है, देख रहे हैं आप कितने प्लगइन आपके लोड होते हैं। अगर आप देखोगे तो सारे प्लगइन आप जो आपने ऐड ऑन करना, सब कुछ यहाँ पे गिवन होता है कि जब माया लोड होने में टाइम क्यों लगता है, ताकि वो इनके सपोर्टिंग प्लगइन को कॉल कर रहा होता है यहाँ पे, इसलिए टाइम लगता है। देखो देखें, अभी जैसे मैंने आपको बताया कि भाई मेरे पास सेफ फ्रेम है, जैसे मैंने न्यू कर दिया यहाँ पे, न्यू फ्रेम में यहाँ पे गए, देखो यहाँ पे इसे बोलते हैं सेल्फ। ठीक है, जैसे सपोज मैंने यहाँ पे फिलहाल में कॉल कर दिया, यहाँ पे एक बॉक्स लिया, यहाँ पे बॉक्स स्पेयर को यहाँ से सेलेक्ट कर सकता हूँ, आउटलाइनर है, डिलीट कर दिया मैं यहाँ पे,
सेलेक्ट कर दिया, एफ फॉर फोकस, ध्यान से देखना, वन टू, टू से क्या है आपका स्मूथ प्लस वायर फ्रेम, देख रहे हैं भाई, वन आपका सरफेस, टू स्मूथ प्लस वायर फ्रेम एंड थ्री स्मूथ, वन टू थ्री, वन टू थ्री याद रहेगा, ठीक है। तो वन टू से स्मूथ प्लस वायर फ्रेम, थ्री से आपका स्मूथ एंड फोर से ये आपका वायर फ्रेम, सिर्फ वायर फ्रेम, ठीक है। आप वन पे जाओगे तो वन का ये वायर फ्रेम है, और थ्री के साथ आप देखना चाहो तो ये वायर फ्रेम है, ठीक है। एंड फाइव पे जाओगे तो फाइव फॉर सरफेस, फोर मतलब वायर फ्रेम, फाइव फॉर सरफेस, ठीक है। और बाई चांस मैंने इसमें क्या कि एक टेक्सचर डाल देता हूँ, राइट क्लिक एंड साइन, मैंने यहाँ पे क्या कर दिया लैम्बर्ट किया, मैंने यहाँ पे यहाँ से जाकर मैंने क्या कर दिया एक चेकर्स डाल दिया, सिंपल सा बाय डिफॉल्ट आपका यहाँ पे चेकर्स मिलेगा यहाँ पे। तो सिक्स प्रेस करोगे तो सिक्स में आपको टेक्सचर देखेगा, फोर फॉर वायर फ्रेम, फाइव फॉर सरफेस, सिक्स फॉर टेक्सचर, ठीक है। और लाइट भी है तो आप यहाँ पे क्रिएट में, जैसे मैंने आपको लाइट क्रिएट करना बताया था, डायरेक्शन लाइट, लाइट मैंने दिखा रहा है यहाँ पे, लाइट दिख रहा है यहाँ पे, सेवन प्रेस करो तो सेवन फॉर लाइट दिख रहा है, देखो लाइट दिख रहा है यहाँ पे, लाइट को रोटेट करके देखो तो आपको एंगल भी दिखेगा। ये आपका सेवन का पार्ट है यहाँ पे। यही चीज़ अगर मैं अगर इस वाले सीन में देखूँ, यहाँ पे सीन है तो मैंने यहाँ पे क्या किया क्रिएट किया, मैंने यहाँ पे क्या लाइट, देखो लाइट लिया, डायरेक्शन लाइट, ठीक है, यहाँ दिख रहा है आपको लाइट, ठीक है। अभी आपने सेवन प्रेस कर दिया तो सेवन में दिख रहा है यहाँ पे। अभी आप यहाँ देखो, यहाँ पे मैंने एक डोम लाइट भी लिया, कैसे मैं डिलीट कर दूँगा तो आप देखिए, यहाँ देखा दिख रहा है लाइट, लाइट के इम्पैक्ट आप यहाँ से क्रॉस चेक करके दिखा सकते हो आप यहाँ पे, ओके। तो ऐसे करके हम लोग देख सकते हैं, तो बेसिक से पार्ट हमें पता चला भाई इसके अंदर शेडिंग में मेरे पास यहाँ पे क्या क्या है, तो इसको भी अगर आप क्रॉस चेक करोगे तो वी पोर्ट का आपको आइडिया मिलेगा, ठीक है। यहाँ देखो जो मैंने आपको बताया, स्मूथ शेडेड ऑल, ठीक है, स्मूथ शेड सिलेक्टेड आइटम, फ्लैट ऑल शेड, ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं फ्लैट शेड सिलेक्टेड आइटम। यहाँ पे क्या होता है, एक चीज़ ऐसा होता है जब आपका सीन बहुत हैवी है, जैसे ये सीन आपको पिक करता है, सीन दिख रहा है अभी, सीन बहुत हैवी है, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं क्या, यहाँ पे एक ऑप्शन है बाउंडिंग बॉक्स, तो सब कुछ छोटे छोटे बॉक्स नजर आएंगे, देखो अभी फाइल बहुत हल्की हो जाएगी, जब मुझे फाइल को हल्का करना तो मैं यहाँ से ऑप्शन को मैं यूज़ कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया बाउंडिंग बॉक्स, यहाँ पे मैंने कर दिया स्मूथ सरफेस, तो स्मूथ में हैवी होगा, ठीक है। लाइट करना है तो बाउंडिंग बॉक्स, ये सेम चीज़ अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा क्या, ठीक है। इसलिए आपको यहाँ पे एक सिंपल बॉक्स है तो उसमें आपको आइडिया नहीं मिलेगा, जैसे स्पेयर लिया मैंने यहाँ पे, ठीक है, स्पेयर लिया, ये मूव्स मैंने यहाँ पे कर दिया, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे देखें बाउंडिंग बॉक्स, तो स्पेयर क्या दिख रहा है, बॉक्स ही है, रेंडर करोगे तो आपको स्पेयर ही दिखेगा, है ना, तो ध्यान रखना क्या, ठीक है। ऐसे करके कुछ है, यूज डिफॉल्ट मटेरियल, अब यहाँ से आपको वापस आना पड़ेगा वायर फ्रेम शेडिट पे, आपको जाके छोड़ना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। वायर फ्रेम ऑन शेडिट, देखो वायर फ्रेम दिख रहा है उसके ऊपर, शेडिट के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे एक्सरे है, एक्सरे आप यूज़ कर सकते हो, एक्सरे जॉइंट, जॉइंट का काम क्या होता है, जैसे मैं रिगिंग पे करता हूँ, जैसे रिगिंग आपका हुआ नहीं, अभी आपको मैं जस्ट देखने के लिए बताया था यहाँ पे, देखो तो यहाँ पे मैंने क्या किया, जैसे मैं यहाँ पे स्केलेटन है, क्रिएट जॉइंट है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट और एक पॉइंट मैंने यहाँ पे दे दिया एंटर, ठीक है, देख रहे हैं यहाँ पे, अभी यहाँ से देख रहे हैं यहाँ पे मैं एक्सरे जॉइंट करता हूँ, एक्सरे जॉइंट्स पे आपका यहाँ पे काम करें यहाँ पे, ठीक है, देख रहे हैं। अभी ये जो अगर मैं किसी के अंदर मुझे रखना, तो मैं यहाँ पे जैसे एक्सरे रखा ना यहाँ पे, तो एक्सरे जॉइंट पे यहाँ पे काम करें, देख रहे हैं यहाँ पे विजुअल है, ऐसे इस तरह से काम करता है एक्सरे एक्टिव का यहाँ पे कंपोनेंट करके, आप देखोगे आप यहाँ पे चीज़ों को मैनेज करेगा, तो कुछ कुछ चीज़ आपके सामने फीचर गिवन है यहाँ पर। यहाँ पे एक ऑप्शन है बैक फेस कल, बैक फेस कल का मतलब जैसे अगर मान लो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, जैसे राइट क्लिक एंड वर्टेक्स, वर्टेक्स किया सिलेक्ट कर दिया यहाँ पे, अभी देखो सिलेक्ट किस में हो रहा है, राइट क्लिक एंड वर्टेक्स सिलेक्शन पे गए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं कई बार क्या करता हूँ, जैसे बैक फेस कल करता हूँ, बैक फेस कल में कई बार मेरे पास सभी चीज़ें विजुअल है और नहीं भी, जैसे मैं फ्रंट में गया, सिंपल स्पेस बार एंड फ्रंट, ध्यान देना क्या कर रहा हूँ पे, वर्टेक्स ये पूरा ही ले रहा है यहाँ पे, देखें यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट, होता क्या है सिमेट्रिकल ऑफ है यहाँ पे, तो ये कई बार ना पीछे वाला पार्ट नहीं सिलेक्ट करता है यहाँ पे, जैसे पीछे वाला पार्ट है ना बैक फेस कल में, वो आपका जैसे मैं एक्टिव करता हूँ यहाँ पे, तो ये पीछे वाला पार्ट में ये सिलेक्शन नहीं लेता, ये बैक फेस कल का काम है, कभी कभी एक्टिव होता है, कभी कभी डीएक्टिव भी होता है, ठीक है। यहाँ पे स्मूथ वायर फ्रेम देखो यहाँ पे, अभी स्मूथ वायर फ्रेम देखें, स्मूथ वायर फ्रेम अगर मैं सेलेक्ट करता हूँ देखो यहाँ पे, स्मूथ वायर फ्रेम कुछ खास विजुअल नहीं है, ठीक है। तो अगर मैंने थ्री प्रेस कर दिया, ठीक है, कुछ एक बार मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको मैंने सेलेक्ट कर दिया वन, और इसको मैंने एक और भी दिया, मेरे पास स्मूथ लेने का तरीके और हैं, शिफ्ट राइट क्लिक एंड स्मूथ, देखें यहाँ पे, तो स्मूथ वायर फ्रेम में ऐसा कुछ विजुअल दिख रहा है, ठीक है। अभी हम लोग यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे क्या क्या चीज़ें, जैसे हार्डवेयर टेक्सचर है, ठीक है, ये सब चीज़ को थोड़ा सा आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे।
अभी इसी के अंदर जैसे मैं यहाँ पे मैंने व्यूपॉइंट देखा, व्यूपॉइंट पे काफ़ी चीज़ें जिसको हम लोग अभी वन बाय वन करके देखेंगे। फिलहाल में जैसे मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, जैसे मुझे ये मॉडल है, जैसे ये दूसरी फाइल है ना, देखें यहाँ पे, यहाँ पे क्या किया मैंने, यहाँ पे गया, यहाँ पे बाउंडिंग बॉक्स, यहाँ पे मैंने क्या किया, स्मूथ शेडिड कर दिया मैंने यहाँ पे। अभी मैं बस एक फाइल से कंट्रोल सी कर दिया मैंने यहाँ पे, यहाँ पे गए ठीक है, कंट्रोल वी कर दिया मैंने यहाँ पे। तो ये इसका प्लस पॉइंट है माया का, सिर्फ माया में होता है, मैक्स में नहीं होता ठीक है। तो अगर किसी सॉफ्टवेयर में प्लस पॉइंट है तो आपको जानना चाहिए कि मैंने वहाँ से कॉपी किया, दूसरे मैंने माया खोला और पेस्ट कर दिया। चलो ये हमने देखा यहाँ पे ठीक है, एक आइडिया मिला।